धमका वाला से होई और एजे से शुरू होला एजे से खत्म होई पावर सुसर के कहां से ले ली। इनको पहचानते हैं कि इनके बारे में भी इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ये हैं खेसारी लाल यादव जी के बेहतरीन राइट हैंड राइटर, मतलब कि इनका लिखा हुआ गाना खेसारी लाल यादव का हिट हो जाता है। ये हैं खेसारी लाल यादव के राइटर अखिलेश कश्यप। और ये जो आपको बगल में मोहतरमा दिख रही हैं, कुछ दिन पहले बहुत राजपूतानी वाला बात करती थी, छतराणी वाला बात करती थी, और उसके बाद इनका अश्लील गाना फटाफट आते रहता है। खैर छतराणी का ऐसा काम नहीं होता, आप लोग भी जानते होंगे। तो ये दोनों के बारे में हम फोटो लगा के आपको ये दिखाना चाहते हैं कि लोग का देखते होंगे आप अगर वीडियो, तो ये लोग हमेशा पवन सिंह यानी कि भोजपुरी के उस सुपर स्टार पावर स्टार जिसको बोला जाता है उसके बारे में हमेशा इन लोग उल्टा पुल्टा बोलते रहते थे। अब थे हम इसलिए कह रहे हैं कि एगो हम वीडियो देखे हैं जिस दिन खेसारी लाल यादव जी का जन्मदिन था ना, उस दिन इन लोग कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, गरीबों के बीच में कुछ बांट रहे थे। अब उस दिन इन लोग एगो डायलॉग मारता है कि पावर पावर एजे से शुरू होला और एजे से खत्म होला, ये पावर खत्म ना हो झमकावला से हो। डायलॉग आप लोग भी जानते होंगे कि डायलॉग का संस्थापक कौन है, मतलब कि ये डायलॉग का जो उत्पत्ति देने वाला है वो है पवन सिंह। और पवन सिंह के ये सब दोनों जो है वो खास विरोधी है हर जगह पे, भले से लाइव में कह दे कि पवन भैया तो हमारा बड़का भैया है, लेकिन इंटरनली सब जानते हैं और फेसबुक लाइव के माध्यम से भी कितनी बार देखा गया है कि लोग बहुत बड़ा विरोधी है पवन सिंह के। लेकिन देखिए डायलॉग आखिर किसका बोला जा रहा है, किस सुपरस्टार के डायलॉग को कॉपी किया जा रहा है। अगर आप देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, और अगर आप नहीं देखे हैं तो ये देख लीजिए। पावर पावर एजे से शुरू होला एजे से खत्म हुई पावर सुसर के कहां से ले। उसके बाद छतराणी यामिनी सिंह जी हर हर गंगे का भी प्रमोशन करती है अपने लाइव के माध्यम से, जिसका जरूरत शायद पवन सिंह को नहीं होगा। हाल फिलहाल में हर हर गंगे का भी पोस्टर आया, मोशन पोस्टर, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी फिल्म देखने जाएंगे। लेकिन फिर भी बिना कहे पूछे प्रमोशन के लिए आती हैं। जानते हैं ये सब किस चीज का कारण करते हैं लोग, इन लोगों को चाहिए कि पवन सिंह भी अपने गाने में इन लोग को मौका दे। इससे पहले एगाव नेपाल की लड़की आई थी जिसका नाम था सोमिया पोखरेल, वो भी क्या बोलती थी कि पवन सिंह को हम नहीं जानते और नहीं पहचानते हैं, कौन है पवन सिंह, ऐसे करके बोली थी। कुछ दिन बाद पवन सिंह को इतना अच्छे तरीके से जान गए कि पवन सिंह के छोटे भाई के साथ गाना, उसके बाद पवन भैया पवन भैया पवन भैया करके पवन भैया को रिझाना। तो ये सब कहानी होता है, शायद ऐसा डायलॉग इनके चाचा जो हैं सिंगर और एक्टर वो नहीं मार पाते हैं, इसलिए किसी दूसरे का डायलॉग को कॉपी करने का जरूरत पड़ता है। तो सोचिए और समझिए कि पावर स्टार के पावर कितना दूर तक है। बाकी नमस्कार प्रणाम, जय मगध, जय बिहार, पावर खत्म ना हुई।